मेन्यू में क्या है, आज हमारे मेन्यू में क्या है, आज हमारे मेन्यू में है तुरई गोश्त। तुरई गोश्त बनाने के लिए मैंने तकरीबन ली है 1.5 किलो मैंने तुरैया ली है, बिल्कुल पतली वाली नहीं है, थोड़ी मोटी वाली तुरई ली है मैंने। ठीक है, इसको किस तरीके से छील के और कितने बड़े बड़े पीस करके काटते हैं वो मैं आपको काट के बताऊंगी। 1 किलो हमने लिया है गोश्त, 5 से 10 दरमियाने साइज के लाल हमने लिए हैं टमाटर, 6 से 8 हमने लिए छोटे हरी मिर्चें, 1 टुकड़ा हमने लिए अदरक का, 1 गड्ढी दरमियाने साइज की हमने लिए प्याज, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट, 2 ग्लास हमने लिया है पानी, 3 चम्मच हमने लिया है धनिया पाउडर, 3 चम्मच हमने लिया है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमने लिया है नमक, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1 कप हमने लिया है कुकिंग ऑयल। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कुकिंग ऑयल हमारा गरम हो गया है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें डाल देना है गोश्त। ठीक है, गोश्त को 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, इतना कि गोश्त का जो रंग है वो चेंज होगा। ठीक है, गोश्त को फ्राई कर लिया है, गोश्त का इतना कि गोश्त का कलर चेंज हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें डाल देना है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको लाइट गोल्डन होने तक गोश्त के साथ हमने भूनना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन ये कि गोश्त की जो लीक होती है वो इससे मर जाती है और गोश्त का एक अच्छा सा बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और अदरक लहसुन तो वैसे भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो है कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। ठीक है, इसके साथ हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है गोश्त को। गोश्त हमारा भुन चुका है, हमने जो प्याज काट के रखी थी 1 गड्ढी हमने वो प्याज डाल दी। ठीक है, सिर्फ हमने इसमें प्याज डालनी है, प्याज के साथ ही हमने इसमें डाल देना है नमक, किसी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी। ठीक है, ये सब कुछ डालने के बाद अब हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है। 2 से 3 मिनट तक हमने तमाम मसाले डाल के गोश्त को अच्छे से हमने पका लिया है। पकाने के बाद अब हमने 2 ग्लास पानी इसमें डाल देना है। दो ग्लास पानी डालने के बाद अब हमने इसको कवर करके रख देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से पक जाए। ठीक है, मैं आपको तुरई काटने का तरीका बता देती हूँ किस तरह तुरई काटनी है। तुरई को हमने पहले इस तरीके से छील लिया। ठीक है, मोटा मोटा छिलका नहीं उतारना है, तुरई हमारी बिल्कुल ताजी थी, इसको हमने इस तरीके से छील के लेना। इस तरीके से हमने पूरी तुरई को छील लिया है। छीलने के बाद अब हमने इसको इस तरीके से 2 पीस कर लिया, सेंटर से हमने इसको 2 कर लेंगे और फिर इतने बड़े बड़े हमने टुकड़े काट लेंगे। अब इसी तरीके से हम तमाम तुरई को छील के और इतने बड़े बड़े टुकड़े काट के तैयार कर देते हैं जब तक कि हमारा गोश्त पका। ठीक है, गोश्त हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। ये तेल एक तरफ हो गया, तमाम मसाला भी और गोश्त भी बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने कहा जो तुरई थी इसको हमने इस शेप में काट के तैयार कर लिया है। हमने तमाम तुरई इसमें मिला दूंगी। तुरई का सब्जी का अपना इतना पानी होता है कि इसमें मज़ीद एक्स्ट्रा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसको हमने अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी। तो तुरई जो है इसका जो पानी होता है सब्जी का अपना पानी जो होता है वो उसके अंदर ही पक जाएगी। ठीक है, तुरई हमने डाल दी थी, देखें तुरई जो है सब्जी का जो होती है अपने ही पानी में बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गई है। हमने इसको बहुत अच्छे से पका भी लिया है, तुरई का पानी बिल्कुल से खुश्क हो गया है और तुरई भी बिल्कुल से पक गई है। ठीक है, अब हमारे पास जो टमाटर थे हमने काट के रखे हुए थे टमाटर, हमने वो टमाटर डाल देना है इसके अंदर। लास्ट रुख टमाटर डालिएगा क्योंकि तुरई में थोड़ी सी मिठास सी होती है सब्ज़ी में, तो इसमें जो है ना हम खट्टे टमाटर डालेंगे, लास्ट रुख टमाटर डालेंगे, इसमें थोड़ी सी खटास होती है तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा आएगा। ठीक है, बस सब्जी इसका टमाटर का पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है।
टमाटर डाल दिए थे हमने। टमाटर हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं, देखें बिल्कुल से टमाटर भी नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल से घुल गए टमाटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको हमने बहुत अच्छे से पका लिया है। ठीक है, साथ साथ हम इसकी भुनाई भी करते जा रहे थे। हमारा मसाला तुरई गोश्त बहुत अच्छे से गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास ठीक है हमारे पास जो अदरक और ये हरी मिर्ची थी हमने ये डाल देना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अदरक और हरी मिर्ची डालने के बाद। उसके बाद हमने एक चम्मच इसमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर, पकते में ही डालना है। ठीक है, चम्मच हमने डाल दिया है। डालने के बाद इसको मिक्स करना है चूल्हा बंद करके। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आज के हमारे तुरई गोश्त की रेसिपी बिल्कुल से तैयार है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेन्यू पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए मेन्यू के साथ। अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, बारिशों का सीज़न है, बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।